दिल्ली पर 75 वर्षों तक शासन करने वाले लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी खान की मृत्यु 12 जुलाई 1489 को हुई थी। 1489 को बहलोल की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। निजाम खान ने उन्हें दिल्ली के शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया और सिकंदर लोदी नाम ग्रहण किया। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन 1999 में आज ही के दिन हुआ था। 60 से लेकर 70 तक के दशकों में बॉलीवुड के सफलतम अभिनेताओं में से एक थे। 80 के दशक में वह नई फिल्मों के निर्माता थे। बारह जुलाई आज ही के दिन जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के हाथों महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।